फ्रेंड्स, आज मैं मिक्स वेज बना रही हूँ, तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। ये मैंने बंद गोभी काट दी है, ये मैंने छोटी छोटी गाजर के पीस कर दिए हैं, एक गाजर है ये। ये मैंने थोड़ी सी मटर ले रखी है और ये मैंने आलू काट रखे हैं बारीक बारीक, और ये मैंने दो प्याज ले रखे हैं, एक आलू। कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है, इसमें हम जीरा डालते हैं। जीरा चटक गया है, मैंने ये चुटकी भर हींग ले रखी है, इसमें हम हींग डाल और ये प्याज। थोड़ा सा चलाने के बाद हम इसमें आलू और मटर डाल देंगे। आप आलू टेस्टी भी कर सकते हैं। गाजर मिला दिया मैंने इसमें, मुझे आलू पसंद है इसलिए मैंने आलू काट रखा है। इसको एक मिनट हम मीडियम आंच हल्की आंच से ढक के रख देंगे। देखिए एक मिनट हो चुका है, इसमें हम कटी हुई बंद गोभी डाल देंगे। फ्लेम को हम हाई कर देंगे, एक मिनट में हम हाई फ्लेम में इसको कड़छी चलाएंगे। इसमें आंच को हम मीडियम कर देंगे और तब तक हम मसाले तैयार करेंगे। 1/4 चम्मच मैंने हल्दी ले ली है, 1/2 चम्मच मैंने धनिया ले लिया है, 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, 3 हरी मिर्ची काट रखी हैं, और ये गरम मसाला 1/2 चम्मच, और ये कश्मीरी लाल मिर्च चुटकी भर, ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते हैं। हम सारे मसाले एक बाउल में ऐड कर देंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी है, इसे भी हम इसमें ऐड। दो मिनट अब 1 मिनट के लिए हल्की आंच में ढक के रख देंगे और हमारी सब्जी तैयार है। ये देखिए सब्जी तैयार हो गई है और अब हम इसे सर्विंग बाउल पे निकाल देंगे। सब्जी को हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, झट से तैयार होने वाली मिक्स वेज। ये देखिए हो गई ना झटपट से तैयार मिक्स वेज। आप भी बहुत ही आसानी से जल्दी से आप ये सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।